परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। हमारा परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। वो आज भी अपने लोगों के बीच अजीब और अचंभी रीति से कार्य करता है। तो आइए अपने हाथों को उठाकर उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने लाल समंदर को दो भाग कर दिया, जिसने दानियल को शेरों की माद में जाने से बचाया, जिसने दाऊद को कभी भी हारने ना दिया। उसने हमें इतना प्यार किया कि उसने अपना इकलौता बेटा प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। हमारा विश्वास है कि आप इस हजूरी से सेम वापस नहीं जाएंगे। जो मसा, जो दर्शन, जो अभिषेक परमेश्वर के दास हमारे आत्मिक पिता के ऊपर है, अगर आप भी पूरे मन से उसका हिस्सा है तो आप अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को और अपने आसपास के जीवनों को बदलता हुआ देखेंगे। परमेश्वर की हजूरी, उसकी प्रेजेंस, उसकी सामर्थ यहाँ मौजूद है आपको छुटकारा देने के लिए। आमीन। क्या आप जानते हैं पौलुस और सिलास जब बंदी गृह में थे तो उन्होंने अपनी बंधुआई में परमेश्वर की आराधना करनी नहीं छोड़ी और इसी कारण परमेश्वर ने एक बड़े भूकंप के साथ बंदी गृह को हिला दिया और उन्हें आजाद किया। तो आइए हम दिल से नाचते हुए उसकी आराधना में चलते हैं। जैसा कि बाइबल में लिखा है, परमेश्वर के गीत गाओ, उसके नाम के भजन गाओ, उसका धन्यवाद करो, दस्तार वाले बाजे और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो। बेटा मेरा जीने लभदा गम दा है सूरज वगदा, बेटा मेरा जीने लगदा गम दा है सूरज वगदा, इक सी ओ वी ने लभदा। आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है आदम। लगदा गमदा है सूरज बगदा, बेटा मेरा जीने लगदा गमदा है सूरज बगदा, इक सी ओ भी ने लभदा। आदम तू किते है, आदम तू किते है, आजा तू किते है आदम, आदम सामने खलोड़गे असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। सोचिया सी दोवे जदों सामने खलोड़गे असी जदों मिलांगे ते गीत शुरू होणगे। जागी हां घोर उदासी शामा दा बेला ओसी, जागी आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है आदम, तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा तू किथे है आदम, आदम तू किथे है, आदम तू किथे है, आजा ता। मैनू भूल गया हर एक राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग दा। चेता मैनू भूल गया हर एक राग दा, चुप कर बह गया संगीत मेरे बाग।
कोणा छड़िया कोयल ले कोणा छड़िया बुल्ला मुस्कोणा छड़िया पत्तिया लहरोणा छड़िया आदम तू किथे है आदम तू किथे है आजा तू किथे है आदम बेटा मेरा जीने लगदा गमदा है सूरज बगदा बेटा मेरा बेटा मेरा जीने लगदा गमदा है सूरज बगदा बेटा मेरा जी नहीं लगदा गमदा है सूरज बगदा इक सी ओ भी ने लबदा आदम तू किथे है आदम तू किथे है आजा तू किथे है आदम आदम तू किथे खूब जान वाला दिर बन गया है कंध उते लगी तस्वीर बन गया है सीने खूब जान वाला दिर बन गया है कंध उते लगी तस्वीर बन गया है तेनू मैं मोड़ ले आना फिर तो ए बाग सजाना तेनू इथे तू मुड़ के आना आदम तू किथे है आदम तू किथे है आजा तू किथे है आदम आदम तू किथे है आदम तू किथे है आजा तू किथे है आदम आदम तू किथे तू किथे है आदम आदम तू किथे है आदम तू किथे है आजा तू किथे है आदम हो सना सरी तो पावांगे सनाओ दे सदा असी गावांगे सिपाही सुना सरी तो पावांगे ते सदा दे सदा असी गावांगे शिफा वाये सुना सरी तो पावांगे ते सदा दे सदा असी गावांगे Oh,
साडे उते भरेगा मसाज पाक रूदा साडे उते भरेगा दुखां ते बीमारियां तू चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तू चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां तू चंगा सानू करेगा दुखां ते बीमारियां सादे नाल अज पर जावांगे ते सदा ओ दी सना असी गावांगे मसा दे नाल अज पर जावांगे ते सदा ओ दी सना असी गावांगे शिफा वाये सुना श्री तो पावांगे ते सदा में मिलती कौड़े नाच खांदा यीशु सिफा की में मिलती कौड़े नाच खांदा यीशु सिफा की में मिलती कौड़े नाच खांदा यीशु सिफा की में मिलती जानना ओ दिंदा सानू जिंदगी ना मिलती जानना ओ दिंदा सानू जिंदगी ना मिल ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी जान ना ओ देंदा सानू जिंदगी ना मिलदी यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे ते सदा ओ दी सना असी गावांगे यीशु कोलो जिंदगी नू पावांगे ते सदा ओ दी मसा दे नाल अज पर जावांगे ते सदा ओ दी सना असी गावांगे मसा दे नाल अज पर जावांगे ते सदा ओ दी सना असी गावांगे ते सदा ओ सना आज खुदा मत बोलो महिमा दे ओ सना
अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तू पना सारा जग सरदा सजदा देख के तेरा जला अपने चरणा विच करदा सजदा देख के तेरा जला अपने चरणा विच यीशु सानू दे दे तुपना सारा जग करदा सजदा देख के तेरा जला आराधना 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 तेरी आराधना आराधना लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही गावांगा तेरे गल लग के मैं दुनिया भूल जावांगा तेरी महिमा दे नगमे मैं सदा ही आराधना आराधना
तुझे मोल लिया है, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है। तेरे बैरियों से, तेरे दुश्मनों से, तेरे वैरियों से, तेरे दुश्मनों से रखूंगा तुझको बचा, मेरी जिंदगी, मेरे हालात, मेरी परिस्थितियां, मेरी बीमारी खुदा वो तेरे सामने घबरा, मैंने तुझे बोल दिया है, ना घबरा, मैंने तुझे बोल दिया है, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे बोल दिया है। जब जब गिरे तो बिगड़े तो तुझे मैं बढ़ाऊं, जब जब गिरे तू तुझे मैं उठाऊं, जब बिगड़े तो तुझे मैं बढ़ाऊं, हर पल सदा तेरे पास रहूंगा, मत सोचना मैं तुझे भूल जाऊं, हर पल सदा तेरे पास रहूंगा, मत सोचना मैं तुझे भूल जाऊं, रखूं सीने से लगा, मैंने तुझे मोल लिया है, रखूं सीने से लगा, मैंने तुझे तेरे बैरियों से रखूंगा तुझको बचा, ना डर ना घबरा, मैंने तुझे मोल लिया है, ना डर की योजना को नाश करूंगा, रू के फलों से तुझे मैं भरूंगा, शैतान की योजना को नाश करूंगा, रू के फलों से तुझे मैं भरूंगा, मैं ऊंचा गढ़ हूँ तेरी मैं बना हूँ, हर एक जंग में तेरी आप लड़ूंगा, मैं ऊंचा गढ़ हूँ तेरी मैं बनाऊं, हर एक जंग में तेरी आप लड़ूंगा, दूंगा तुझे मैं बना, मैंने तुझे मोल लिया है। अगुवाई करना चाहता है, मैं जानता हूँ ये वचन ही लोगों को आजाद करता है, और जब इस वचन पर विश्वास करते हैं, ये विश्वास का जो वचन है वो छुटकारा देता है। क्या कोई गांव से जो आए हैं, क्या अपने भेड़ों के बारे में कुछ जानते हैं, बता सकते हैं? जो आपने अपने घर में भेड़े रखी होती है उनकी कोई खास बात आप बता सकते हैं? भेड़ों की एक खास बात है कि वो जो मालिक है उसको पहचानती है, और अगर ये जो भेड़े हैं जब
मालिक को पहचानती है तो उसके पीछे पीछे चलती है, और यहां तक उसका शब्द भी वो जानती है भेड़े। याद रखो, यीशु मसीह जो है एक ऐसी बात को बताना चाहता है जिससे लोग ये समझे, ये जाने कि परमेश्वर के पीछे जो चलने वाले लोग हैं वो परमेश्वर की आवाज को समझते हैं और जानते हैं और उसकी अगुवाई में चलते हैं। वचन कहता है कि जो उसकी भेड़ है और उसके पीछे चलती है उसके लिए परमेश्वर के कुछ ऐसे स्पेशल कुछ काम हैं जो देखे जा सकते हैं। कोई कहता है कि मेरे लाइफ में सफलता क्यों नहीं है, कोई कहता है कि मेरे जीवन में छुटकारा क्यों नहीं है। उसकी एक ही वजह है कि जब परमेश्वर के पीछे कोई नहीं चलेगा, जब परमेश्वर की पूरी रीति से कोई नहीं सुनेगा तो छुटकारा जीवन में काम नहीं करेगा। पर अगर छुटकारा जीवन में आ भी गया है और लाइफ में बदलाव नहीं है तो उसको छुटकारा नहीं कहते हैं। एक व्यक्ति जब बीमारियों से छुटकारा पाता है, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाता है, तो उसका साइन क्या है? उसका साइन ये है कि वो यहोवा परमेश्वर को प्रसन्न करता है, विश्वास से जीता है। रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय में कुछ लिखा है, उसको आपको पढ़ना होगा घर में जाके। रोमियो की पत्री उसके 8 अध्याय में भी कुछ लिखा है, उसको भी पढ़ना होगा। और इब्रानियों की पत्री उसके 11 अध्याय को भी पढ़ना होगा। आपको समझ में आएगा एक विश्वासी को क्या चाहता है परमेश्वर, किस तरह से एक विश्वासी का जीवन होना चाहिए। हालेलुया। मैं आज एक आपको कहानी बताना चाहता हूं। एक बहन के जीवन में एक बहुत बड़ा छुटकारा हुआ, और वो छुटकारा ये था कि वो 3 साल से अपने बेड पर भी थी और वो बीमार थी, और इतनी बीमार थी कि वो कुछ भी घर का काम नहीं करती थी। और प्रभु के दास ने जब प्रार्थना किया उसके लिए तो वो 5 मिनट के अंदर जो है उस बीमारी से चंगाई पाया उसने। और जब चंगाई पाया है ना, सुनो बड़े ध्यान से, उसके बाद क्या हुआ, उससे पूछा गया, बहन तुझे छुटकारा मिल चुका है, तू बीमारी से ठीक हो चुकी है, अब ये बता कि अब छुटकारा पाने के बाद तू क्या करेगी, किसकी सेवा करेगी, क्या कार्य करेगी परमेश्वर के लिए। उसने क्या जवाब दिया कि मैं 3 सालों से बेड में थी और मेरे पति ने मेरी बहुत सेवा की है, मैं अब अपने पति की सेवा करूंगी। और कुछ समय के बाद ऐसा होता है कि न्यूज आती है वो बहन की डेथ हो जाती है। और मैं आज आपको इस बात से क्या बताना चाहता हूं, 3 साल से वो बहन चल नहीं सकती थी, फिर नहीं सकती थी, और उसके मुंह का अंगीकार देखिए कि जैसे उसको 3 साल से जो है छुटकारा मिला उस बीमारी से, तो उसका अंगीकार देखो क्या हुआ, क्या बोला उसने अपने मुंह से, मैं अपने पति की सेवा करूंगी। जिस परमेश्वर ने उसको छुटकारा दिया उसके लिए 2 शब्द भी उस बहन ने नहीं बोले, मैं परमेश्वर के लिए क्या करूंगी, कोई जवाब उसने नहीं दिया। परमेश्वर ऐसा नहीं है कि वो छुटकारा दे करके वो किसी को फिर से समस्या में डाल देता है या किसी को मार देता है, ऐसा नहीं। वचन कहता है तुम्हारे मुंह में क्या है, जो कुछ तुम बोलोगे वो हो जाएगा। हालेलुया। आपका जो छुटकारा है वो आपके कार्यों के ऊपर निर्धारित है। आपने अगर छुटकारा पाया बीमारी से, दुष्ट आत्माओं से, आपका जो काम है आने वाले समय में वो क्या करना चाहते हैं आप, क्या आपने विचार बना के रखा है, तभी जो है उस छुटकारे को आप परमानेंट अपने जीवन में देखते हैं। मैंने देखा कुछ लोग जब परमेश्वर की आवाज को
अनसुना करते हैं, उसके बाद वो अलग अलग बातों में फिर फंस जाते हैं, और उसके बाद क्या होता है, फिर वो कुछ लोग ऐसे हैं जो परमेश्वर की बदनामी करते हैं। मैं चर्च में गया और वहां पे भी मेरे जीवन में कुछ नहीं हुआ, लेकिन चर्च में आके वचन जो बोला गया था, क्या इस वचन के अनुसार चले? अगर चले हैं तो छुटकारा आपके जीवन में परमानेंट रहेगा। जब से मैंने यीशु मसीह को माना है, मैं आज तक सुरक्षित हूं। हालेलुया। छुटकारे का मतलब है कि जब एक बार हम यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसकी आवाज को सुनते हैं, उसके अनुसार जीते हैं, फिर शैतान हमारे जीवन में काम नहीं कर सकेगा। हालेलुया। जो लोग परमेश्वर की आवाज को अनसुनी करते हैं, उनके जीवन में फिर शैतान फिर से प्रयास करता है कि उनके जीवन में आके फिर से पहले जैसे हालात उनके जीवन में हो जाएं। याद रखो ये वचन क्या कहता है, जो मेरी भेड़ है वो क्या करती है, मेरी आवाज को सुनती है। और एक बड़ी विशेष बात कि बोला यीशु मसीह कहता है, मैं अपनी भेड़ों का नाम ले लेकर के क्या करता हूं, बुलाता हूं, और मेरी भेड़ें मुझे भी जानती है और मैं भी उन्हें जानता हूं, और वो मेरा शब्द जानती है, मेरे शब्द को पहचानती है। सोचो एक व्यक्ति जब छुटकारा पाना चाहता है या छुटकारा पा चुका है, सोचो उसके पास किसकी आवाज आती है। बहुत से लोगों के पास अलग अलग प्रकार की आवाजें आती हैं, लोगों की आवाज आती है, हालातों की आवाज आती है, शैतान अलग अलग तरह से आवाजें देता है। बहुत से लोग जब परमेश्वर की आवाज सुनने के बजाय किसी और की आवाज सुनते हैं तो फिर वो फंस जाते हैं शैतान के जाल में, और जब वो जाल में फंस जाते हैं तो वहां पर वो चिल्लाते हैं, रोते हैं। आज अगर आप परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए यहां आए हैं या सुनना चाहते हैं, उसके अनुसार जीना चाहते हैं, तो छुटकारा आपके लाइफ का हिस्सा हमेशा बना रहेगा। हालेलुया। वचन कहता है, अगर आप और थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे तो यहां पर लिखा है 25 आयत में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे कह दिया पर तुम विश्वास करते ही नहीं, जो काम मैं अपने पिता के नाम से करता हूं वे मेरे गवाह हैं, परंतु तुम इसीलिए विश्वास नहीं करते क्योंकि मेरी भेड़ों में से नहीं हो। मेरी भेड़े मेरा शब्द सुनती है, मैं उन्हें जानता हूं और वे मेरे पीछे पीछे चलती है। हालेलुया। याद रखो कि परमेश्वर आपको जानता है और आप भी उसे जानते हैं, तो आपको कोई छू नहीं सकेगा। पर अगर कोई परमेश्वर को जानता है और कहता मैं समझता हूं, पर उसकी आवाज को कोई पूरा नहीं करता है, उसकी आवाज के अनुसार जीता नहीं है, फिर समझ लो कि वो प्रभु की आवाज को अनसुनी करता है, और इसके कारण क्या होने वाला है, शैतान को मौका मिलेगा। और जब शैतान को मौका मिलेगा तो बहुत से लोग फिर चिल्लाते हैं, रोते हैं, निराश हो जाते हैं अपने जीवन में। मैंने बीते उस समय में बहुत से लोगों के जीवन में छुटकारे को देखा। कुछ लोगों के घरों में बीमारियां थी, उनसे लोग आजाद हुए, दुष्ट आत्माओं से आजाद हो गए। ऐसे ऐसे काम जो डॉक्टरों ने भी कहा था कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, और वो बीमारियों से भी लोग आजाद हो गए। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा जो अंधे थे वो देखने लगे, लंगड़े थे वो चलने लगे। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूं, बहुत से लोगों ने छुटकारा पा करके प्रभु के पीछे चले, और बहुत से लोग जो हैं छुटकारा पा करके संसार के पीछे चले, और फिर से जहां से आए थे वहीं लौट गए। मैं आपको आज क्या कहना चाहता हूं, अगर सदा बड़े काम को देखते जाना है अपने जीवन में, हमेशा हमेशा अपने लाइफ में एक आशीष और ब्लेसिंग को देखना है, तो परमेश्वर की आवाज हमेशा सुनने और उसके अनुसार जीना। प्रभु आपकी अगुवाई करेगा, हर तरह से आपकी सुरक्षा करेगा। जिस परमेश्वर को मैं जानता हूं, आप जानते हैं, वो बहरा नहीं है, वो अंधा नहीं है, वो देखता है, वो सुनता है, वो समझता है। कुछ लोग स्वार्थी हैं,
जिन्होंने छुटकारा पाया और वो अपने अपने रास्ते में चले गए, पर कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने एक बार दुष्ट आत्माओं से समस्या से छुटकारा पाया और आज तक भी यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। आपका छुटकारा अगर हो चुका है तो आप क्या करना है, स्वार्थी नहीं होना है, अपना मतलब निकाला और बस यीशु मसीह क्या क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है, कुछ नहीं, बस साइड में बैठ गए। हालेलुया, आपको उसकी आवाज को सुनना है और उसके लिए अपना काम पूरा करना है। बताया जाता है एक व्यक्ति को जब परमेश्वर बुलाता है वो उसको इसीलिए बुलाता है क्योंकि प्रभु नहीं चाहता कि कोई नाश हो जाए, प्रभु नहीं चाहता कि कोई परेशानियों के बीच में रहें, बीमारियों में रहें, हालातों के बीच में रहें। पर बहुत सारे ऐसे हालात हैं जो मनुष्य के अपने कारण जो है उनके जीवन में आते हैं। वचन में लिखा है, हे आलसी तू कब तक सोता रहेगा, जाग उठ देख, चींटियों को देख, वो क्या करती हैं, धूप काल में बटोरती हैं, उनका कोई राजा नहीं होता फिर भी वो अपने लिए काम कर रही होती हैं। और याद रखो, एक व्यक्ति जब किसी के जीवन में सफलता आए तो भूल ना जाना परमेश्वर को। मैं आज गारंटी देता हूं, जितने लोग यहां पर आए हैं मैं गारंटी देता हूं 100% जितने लोग परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और मान रहे हैं, जिन्होंने छुटकारा पाया है वो छुटकारे की सामर्थ को आने वाले समय में बड़े लेवल पर देखने जा रहे हैं, और जिन्होंने नहीं छुटकारा पाया वो भी छुटकारा पा करके जाएंगे और अद्भुत काम होने वाले हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको परमेश्वर कुछ कहता है उसको सुनने के लिए तैयार हो जाओ। समय आ चुका है कि प्रभु ने आपके जीवन में कुछ किया है, आप क्या करने के लिए तैयार है? फिर प्रभु ने आपके लिए एक काम किया कि आपको छुटकारा देने के लिए अपना ब्लड इस क्रूस पर बहा दिया, आपको छुटकारा देने के लिए अपना सब कुछ दे दिया, आप क्या देने के लिए तैयार हैं? अपने शरीर को जीवित पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी क्या है, आत्मिक सेवा है। इस संसार के सदृश्य नहीं होना। संसार तो क्या है, स्वार्थी है, लोभी है, अपने बारे में सोचता है। परमेश्वर नहीं चाहता है कि संसार के गुण आपके अंदर हो। यह प्रभु आज एक आवाज देता है कि जब मैंने तुझ पर दया दिखाई, मैंने करुणा किया, इस करुणा को कभी नहीं भूलना। वचन क्या कहता है, भजन संहिता 103 में क्या लिखा है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह, उसके किसी भी उपकार को नहीं भूलना, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है, तेरे पापों को क्षमा करता है। मैं जब पिछले दिनों में प्रार्थना कर रहा था, मैंने ये प्रार्थना में देखा कि परमेश्वर ने मुझ पापी को कहां से उठाया और कहां पर खड़ा कर दिया, और अगर मैं अब यहां पर आपके सामने एक ऐसा जन बन गया जिसको परमेश्वर ने खड़ा किया, जिसको परमेश्वर ने उठाया, और इस बात को मैं भूल जाऊं कि परमेश्वर मुझे कहां से लेके आया और कहां खड़ा कर दिया, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी शर्मिंदगी होगी, फिर मेरे लिए एक बहुत बड़ी एक समस्या बन जाएगी कि परमेश्वर के कामों को मैं भूल जाऊं। मैं एक ऐसा व्यक्ति था जिस व्यक्ति को सब लोग क्या कहते थे, आप में से कई लोग गवाह हैं, पर परमेश्वर ने मुझ ऐसे पापी व्यक्ति को चुना आप लोगों के लिए कि मैं आपको परमेश्वर का वचन सुना सकूं। पर अगर उस दिन को मैं भूल जाऊं, ये सबसे बड़ी एक गंभीर और समस्या वाली बात है मेरे लिए। दाऊद जब परमेश्वर का चुना हुआ एक व्यक्ति बन गया तो उस व्यक्ति ने हमेशा उस बात को याद रखा कि परमेश्वर ने मुझे भेड़ बकरियों को चराने वाले व्यक्ति को राजा बना दिया। हालेलुया।
आप में से कई लोग तो ऐसे आए हैं यहाँ पे, बस मैं बीमारी से छुटकारा पाऊं। आप सोचते हैं बीमारी से छुटकारा पाए, सिर्फ इतनी सी सोच लेकर के आए। ये तो एक छोटा सा काम है परमेश्वर का, प्रभु आपको राजा बनाना चाहता है। आप थोड़ी सी बातों में खुश हो जाते हैं और अपने घर में बैठ जाते हैं, ऐसा मत सोचिए। जिस दिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, उस दिन मुझे भी समझ में नहीं आया था, लेकिन आज मुझे समझ में आ रहा है कि परमेश्वर ने मुझे दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, बीमारियों से छुटकारा दिया, उसका मतलब कुछ और था। उसका मतलब यह था कि परमेश्वर का वचन मैं लोगों को बताऊं, बहुत से लोग मेरे द्वारा उद्धार पाए, बहुत से लोग छुटकारा पाए, यह परमेश्वर की योजना थी। मैं एक परमेश्वर का गवाह बन जाऊं, यह परमेश्वर की योजना थी। लेकिन शैतान क्या करता है, सोचो क्या करता है। वो चोर है, वो डाकू है। वो क्या करता है, वो आपके अंदर से परमेश्वर का वचन चुराना चाहता है, वो परमेश्वर की योजना को खराब करना चाहता है और आपके अंदर किसी ना किसी तरह से भरमाने वाली बातें डालना चाहता है, ताकि आप परमेश्वर के वचन को ना सुने और ना समझे और ना उस पर स्थिर रहें। एक व्यक्ति जब परमेश्वर के वचन पर स्थिर रहता है, परमेश्वर उसे इस्तेमाल करता है। याद रखो, जब आपको परमेश्वर ने बुलाया है तो बड़े काम करने के लिए बुलाया है। आप सिर्फ ये सोच रहे हैं छोटी छोटी बातों के लिए कि मेरे घर के हालात कैसे ठीक होंगे, मैं कैसे आजाद हो जाऊंगा। ये छोटा सा काम है परमेश्वर का, लेकिन प्रभु कहता है मैं राजाओं का राजा है, लेकिन तुमको मैं राजा बना दूंगा। हालेलुया। जब हमारा परमेश्वर राजाओं का राजा है तो उसके बेटे बेटियां क्या होंगे, वो भी राजा की तरह होंगे। हालेलुया। शैतान धोखा देता है कुछ लोगों को, तू कुछ नहीं कर सकता है, बस कुछ समय के बाद उसको अलग अलग तरह के विचार लेकर के आता है। जब वो व्यक्ति छुटकारा पा लेता है, सोचो एक छुटकारा जब व्यक्ति पा लेता है तो उसके जीवन में प्रभु के लिए एक जोश होना चाहिए, लेकिन वो जोश कहाँ चले जाता है, सोचो। वो जोश कई बार लोगों का खत्म हो जाता है। एक बार एक भाई मेरे पास आया, बहुत पहले की बात है, उन्होंने कहा मैं प्रभु के लिए जीना चाहता हूँ। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, और उन्होंने मेरे से बातें किया कि पास्टर जी मुझे बताइए मैं क्या क्या करूँ प्रभु के लिए। मैंने कहा आपको ऐसा करना है, प्रभु के वचन को अच्छे से समझना है, स्टडी करना है, बहुत सी शिक्षा मैंने उसको दिया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, शैतान ने जिस जगह पर उस भाई को होना चाहिए था वहां से हटा दिया। बस किस बात को लेकर के, छोटी सी बात को लेकर के, मेरे घर से ये मेरे बेटे की समस्या क्यों ठीक नहीं हो रही है। उसने 10 बार आकर जो है मेरे से बात किया, मेरे जीवन में ये क्यों ये एक समस्या बनी हुई है, सारी समस्याओं का हल हो गया लेकिन मेरा बेटा अभी भी पूरी रीति से ठीक क्यों नहीं है। मैंने उसको कहा एक समय आने वाला है तेरे बच्चे के जीवन में बड़ी सफलता आएगी, तू विश्वास में बना रहे। लेकिन पता क्या हुआ, बड़े बड़े चमत्कार उस व्यक्ति के जीवन में हुए, वो सारे ठुकरा दिए, लेकिन एक ही जगह पर वो फंसा रहा और वो बैकस्लाइड हो गया। प्रभु देखना चाहता था उस व्यक्ति को, इतने बड़े बड़े चमत्कार मैंने और इसके जीवन में किए, और भी करना चाहता हूं, लेकिन ये अब अपने बच्चे को देख रहा है और उन कामों को ये भूल गया। और शैतान ने उसके ऊपर देखो कैसे कब्जा किया, वो यीशु मसीह को है ना छोड़ दिया। बहुत से लोगों के जीवन में बड़े बड़े चमत्कार हुए हैं, पर अगर ये एक छोटा सा काम नहीं हुआ तो वो परमेश्वर के ऊपर दोष लगाते हैं। मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मेरे जीवन में बड़े बड़े काम तो हुए, आज भी हो रहे हैं, पर जब कभी मेरे जीवन में कोई काम भी नहीं हुआ तब भी मैंने धन्यवाद दिया परमेश्वर का। मेरी प्रार्थना का उत्तर महीने महीने भर नहीं आता था, सालों साल हो गए नहीं आया उत्तर, नहीं आया। और मैंने कभी भी परमेश्वर को ये नहीं कहा हाँ परमेश्वर देख मैं कितना बड़ा काम तेरे लिए कर रहा हूं, मेरी प्रार्थना को अभी तक आपने सुना नहीं। कभी मैंने ऐसा नहीं कहा, धन्यवाद दिया परमेश्वर को, और कुछ समय के बाद मैंने सफलता पाई। हालेलुया। आज
प्रभु चाहता है आप उसकी आवाज सुने, आवाज सुनोगे उसको पूरा करोगे तो आपको सुरक्षित करने वाला एक ही है, वो है परमेश्वर। उसका नाम क्या है, क्या नाम है उसका जो आपको सुरक्षित रखना चाहता है? क्या नाम है? यीशु मसीह। वचन क्या कहता है ध्यान से सुनना, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूं, वे कभी नष्ट ना होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मेरा पिता जिन्हें उन्हें मुझको दिया वे सब से बड़ा है और कोई उन्हें पिता के हाथ से छीन नहीं सकता। हालेलुया। अगर आप परमेश्वर की भेड़े हैं ना और उसकी शब्द को जानते हैं और पहचानते हैं और उसके अनुसार चलते हैं ना, कोई आपको छीन नहीं सकता परमेश्वर के हाथ से, कोई भी नाश नहीं होने वाला है। कोई भी व्यक्ति, मैं आज ये कहना चाहता हूं, कोई भी हमारे बीच में से कोई भी नरक नहीं जाएगा, मैं गारंटी देता हूं अगर आप प्रभु की आवाज सुनते हैं। कोई दुष्ट आपको नाश नहीं कर सकेगा अगर आप प्रभु की आवाज सुनते हैं। और मैंने ऐसा देखा है आत्मा में, जो जो लोग परमेश्वर की आवाज को सुनते हैं उसको पूरा करते हैं, है ना, वो लोग जो है सफल हुए हैं। मैं आप लोगों के हाथों को देखना चाहता हूं। हालेलुया। प्रभु की आवाज सुनना, उसे पूरा करना, ये एक सबसे बड़ा काम है एक विश्वासी का। आज अगर आप इस दुनिया में एक परिपक्व या सामर्थी जीवन या सफल जीवन जीना चाहते हैं तो प्रभु की आवाज सुनना। अपनी आवाज भी मत सुनना, लोगों की आवाज भी मत सुनना। आपको कई प्रकार की आवाजें आएगी इधर उधर से, आपको आगे जाने से रोका जाएगा, आपकी सफलता को शैतान देखना ही नहीं चाहता, इसलिए वो रोकने का प्रयास करेगा। वो आपके करीबी लोगों को लेके आएगा, वो आपके जो साथ चलने वाले लोग है वो भी आएंगे, अरे क्या कर रहा है, अरे इतने लंबा समय हो गया अभी भी तेरे घर के हालात ठीक नहीं है। बहुत से लोग आएंगे, ये बीमारी इतने समय से, अरे आप तो ठीक नहीं हुए, आप तो लगातार चर्च में जा रहे, अरे सुनो चर्च में कुछ नहीं मिलने वाला, ऐसे लोग आएंगे। लेकिन उनको जवाब देना है, मेरा परमेश्वर मुझे चंगा करे ना करे, वो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। क्योंकि शैतान आएगा जो आपको भरमाने का काम करेगा। प्रभु की आवाज एक बार आपने सुन ली है, उसको पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाना है। एक दिन आने वाला है आपके जीवन में, आने वाला है वो दिन। वो कौन सा दिन है? वो दिन वो होगा जिसमें आप सफल होंगे और शैतान का मुंह बंद हो जाएगा। फिर बहुत से लोग बोलने वाले होंगे, अरे तेरा परमेश्वर महान है। हालेलुया, 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 हालेलुया। एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम वचन में बहुत ही साफ शब्दों में लिखा गया है, उस व्यक्ति का नाम दानियल है। और दानियल परमेश्वर के दर्शनों को देखता है और राजा को भी यह मालूम होता है कि ये बड़े बड़े काम इसके जीवन में होते हैं और जो कुछ ये बताता है वो होता है। मालूम है दानियल की क्या विशेष बात थी? दानियल राजा के जो घर का जो अच्छा अच्छा खाना होता था ना, उसको कभी नहीं खाया उसने, वो साग पात खाया करता था। पर जब वो परमेश्वर के भेदों को बताता था, राजा भी हैरान हो जाता था, लोग भी हैरान हो जाते थे उसके साथ ही। अगर आप और एक व्यक्ति को देखेंगे, यूसुफ को, यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति हुआ जिसने समस्या के बीच में, परेशानियों के बीच में प्रभु की आवाज को सुनता रहा, वफादारी से चलता रहा और कभी भी समस्या के सामने घुटने नहीं टेके। और परमेश्वर ने उसको एक ऐसा व्यक्ति बना दिया जो राजा के
घराने में जाकर के राजा का दाहिना हाथ बन गया। परमेश्वर ने यूसुफ को इस्तेमाल किया। वचन कहता है कि एलिया जब परमेश्वर की आवाज सुनता था तो उसे पूरा करता था, वो चाहे हालात जैसे मर्जी क्यों ना हो। हालेलुया। एक व्यक्ति जब परमेश्वर की आवाज सुनता है तो वहां पर उसको बहुत सारी ऐसी समस्या का सामना करना पड़ता है। शैतान इतना चालाक है कि आप में से कई लोगों को परमेश्वर छुटकारा देना चाहता है, अभी देना चाहता है, पर कई लोगों के अंदर से विश्वास खत्म करना चाहता है शैतान। बहुत से लोगों के जीवन में परमेश्वर कहता है मेरा बेटी मेरी बेटी मेरा बेटा मैं तुझे सफल करना चाहता हूं, लेकिन शैतान आएगा बरमाएगा, अरे इतने लंबे समय से नहीं तू सफल हुआ, अभी कैसे होगा। शैतान को क्या बोला गया, वो भरमाने वाला है, वो डाउट पैदा करने वाला है। पर वचन कहता है, यीशु मसीह कहता है जो मेरी भेड़े हैं वो मेरा शब्द जानती है और वो समझती है और वो मेरे पीछे चलेगी। शैतान को कभी भी वो मौका नहीं देंगी वो भेड़े। हालेलुया हालेलुया। याद रखो आपको हमेशा हमेशा परमेश्वर की आवाज को सुनना है और हमेशा शैतान की आवाज को काटना है। कैसे काटना है? जब एलिशा को पता चला मेरे स्वामी एलिया को उठाए जाना है, तो कुछ ऐसे भविष्यवक्ता आए जिन्होंने कहा, क्या कहा, आज तेरे स्वामी को उठाया जाना है तुझे मालूम है? उसने कहा तुम चुप रहो मुझे मालूम है। कई बार ऐसा भी होगा, बहुत से लोग प्रभु को जानने वाले वचन को जानने वाले भी आएंगे, उनको भी पता होगा आपके जीवन में क्या हो रहा है, लेकिन कई बार वो चिढ़ाने का प्रयास करेंगे। उनको कहना है तुम चुप हो जाओ, मैं भी जानता हूं, मैं भी जानती हूं मुझे परमेश्वर बड़े काम करने के लिए चुना है। हालेलुया हालेलुया। और मैं आज आपको बता रहा हूं, अपनी आंखों को खोल दीजिए, आज आत्मा में हो जाइए, आपको परमेश्वर ने बड़े काम करने के लिए चुना है। हालेलुया। आपको इसलिए छुटकारा दिया परमेश्वर ने कि बहुत से लोग आपके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया।